ओम शांति। मैं विघ्न विनाशक सिद्धि विनायक गणेश हूं। श्री गणेश जी की मूर्ति को देखकर सहज ही मन में जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि आखिर भी हाथी का सिर, विशाल उदर और चारों हाथों के अलंकार ये हमें क्या संकेत करते हैं। तो आइए ईश्वरीय ज्ञान के प्रकाश में हम श्री गणेश के प्रतीकों को समझें और उनसे शिक्षाएं लेकर उनके जैसा स्वरूपधारी बने। ईश्वरीय महावाक्य है, प्रिय वत्सो, कल्प कल्प आप महान आत्माओं ने सर्व आत्माओं को विघ्न मुक्त करके सुख शांति प्रदान की है, जिसकी यादगार भक्ति मार्ग में आपकी पूजा श्री गणेश के रूप में होती है। अभी पुनः वही समय आया है जब तुम्हें सर्वात्माओं को विघ्नों से मुक्त करके दुखहर्ता एवं सुखकर्ता बनना है। सर्वशक्तिमान विघ्नों से मुक्ति देने वाले दुखहर्ता सुखकर्ता शिव बाबा की संतान विघ्न विनाशक गणेश ही हैं। भक्तजन गणेश की मूर्ति के सम्मुख उपस्थित होकर याचना एवं कामना करते हैं। गणेश जी के संपूर्ण स्वरूप से सर्व के मनोरथ पूर्ण होते हैं। सभी श्री गणेशाय नमः कहकर अपने श्रेष्ठ कार्यों का शुभारंभ करते हैं। आज सारे संसार में जो संकट तथा दुख के बादल छाए हैं उनको नष्ट करने वाले संकट मोचक सिद्धिदाता सुखकर्ता गणेश है। सारा विश्व भक्ति की शक्ति से सिद्धि एवं सफलता का अनुभव करता है। वास्तव में संगम युगी ब्राह्मणों के भिन्न भिन्न गुणों, शक्तियों एवं कर्तव्यों के प्रतीक ही श्री गणेश का स्मरण किया जाता है। मेरे और मैपन के सिर को काटकर प्यारे भोलेनाथ शिव ने हाथी का सिर प्रदान किया है। यह हमारी विशाल बुद्धि का सूचक है, चौड़ा माथा बुद्धिमत्ता का प्रतीक है, यो महाज्ञानवान का द्योतक है। छोटी आंखें एकाग्रता एवं सूक्ष्म दृष्टि का संकेत करते हैं। ये हमारी दूरदर्शिता का भी परिचायक है। बड़े कान बेहतरीन श्रवण शक्ति का उदाहरण है। बड़े कान सूप की तरह हैं, जो व्यर्थ को निकालकर अच्छी बातें ग्रहण करने का इशारा करते हैं। लंबी सूंड हमारी कार्यकुशलता एवं सहजता की निशानी है। ये हमारी शक्तिशाली स्वरूप का उदाहरण भी है, जो बड़े बड़े पेड़ को भी उखाड़ सकता है तो छोटे से बालक को भी उठाकर अपने ऊपर बिठा सकता है। छोटा मुंह कम बोलने एवं सोच समझकर बोलने की निशानी है। एक दांत एक रसी स्थिति बनाने एवं एक की ही श्रीमत पर चलने का प्रतीक है। एक दंत हमारे मूल्यवान जीवन का भी सूचक है। गणेश जी के चारों हाथ हमारी चौमुखी प्रतिभा का उदाहरण है। एक हाथ में कमल पुष्प हमारे संसार में रहते निर्लिप्त जीवन की निशानी है। दूसरे हाथ में स्थित कुल्हाड़ी सभी प्रकार के बंधनों से मुक्ति का प्रतीक है। तीसरा
वरद हस्त सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करने यम आशीष देने का परिचायक है, और चौथे हाथ में लड्डू का होना मधुरता यम सबको संगठित रखने का सूचक है। इसी प्रकार बड़ा पेट सब कुछ स्वीकार करने व समाने तथा गोपनीय रखने की निशानी है। श्री गणेश जी के विशेष बैठक की मुद्रा का भावार्थ है, एक पैर संसार की वास्तविकता यम अपने कर्तव्यों से जुड़े रहने का, तो दूसरा मुड़ा हुआ पैर कर्तव्यनिष्ठ होते हुए भी दुनिया से उपराम रहने का उदाहरण है। श्री गणेश जी का वाहन चूहा हमारी बुराइयों एवं विकारों पर विजय की निशानी है। गणेश जी की दो संगिनी रिद्धि सिद्धि यथार्थ विधि से सर्व सिद्धि प्राप्त करने के द्योतक है। तो आइए ईश्वरीय ज्ञान के प्रकाश में हम श्री गणेश के स्वरूपधारी बने। मैं विघ्न विनाशक गणेश हूं, मैं गणनायक गणाधिपति गणेश हूं, मैं दुखहर्ता सुखकर्ता गणेश हूं, मैं शुभमकारी मंगलकारी गणेश हूं, मैं ज्ञान निधि गणेश हूं, मैं सर्व की मनोकामना पूर्ण करने वाला गणेश हूं, मैं बुद्धिनाथ गणेश हूं, मैं विनायक गणेश हूं, मैं एक दृष्टा और एकाग्रचित्त गणेश हूं, मैं ज्ञानदाता भाग्य विधाता वरदाता गणेश हूं, मैं करुणा कर कृपा कर गणेश हूं, मैं सर्वरक्षक सर्वोपकारी गणेश हूं, मैं विद्यापति गणेश हूं, गणेश हूं, मैं उन्नत ललाट यों विशाल शीशधारी गणेश हूं, मैं विशाल बुद्धि से बेहद सोच रखने वाली महान आत्मा हूं, मैं त्रिकालदर्शी दिव्य बुद्धि से हर कार्य में सफलता प्राप्त करने वाली सफल आत्मा हूं, मैं सूक्ष्म नेत्रधारी एवं दिव्य दृष्टि से संपन्न गणेश हूं, मैं अपनी दूरदर्शिता से सभी कार्यों को सुनियोजित करके विजय प्राप्त करने वाली श्रेष्ठ आत्मा हूं, मैं विशाल कर्णधारी एवं कुशल श्रवण शक्ति से संपन्न गणेश हूं, मैं सर्व के अंतःकरण की आवाज सुनकर सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली दिव्य आत्मा हूं, मैं इन कानों से मात्र ज्ञान युक्त समर्थ बातें ही सुनते हुए गुणग्राही बन गुणमूर्त बनने वाली गुणवान
आत्मा हूं, आत्मा हूं। मैं विशाल सूंडधारी वक्रतुंड गणेश हूं। मैं असंभव को संभव करने वाला शक्तिमान गणेश हूं। मैं सर्व का सम्मान एवं आदर करने वाली बालक सुमालिक शक्तिशाली आत्मा हूं। मैं सूक्ष्म कमजोरियों एवं बुराइयों को जड़ समूल नष्ट करने वाली आध्यात्मिक शक्ति संपन्न आत्मा हूं। मैं छोटे मुख वाला गणेश हूं। मैं बहुत ही सोच समझकर कम बोलने वाली अल्पभाषी आत्मा हूं, आत्मा हूं। मैं एक दंतधारी गणेश हूं। मैं सदा एक शिवबाबा के श्रीमत पर चलने वाली तथा एक रस स्थिति में स्थित रहने वाली एकाग्र चित्त आत्मा हूं, आत्मा हूं। मैं चतुर्भुज गणेश हूं। मैं चौमुखी प्रतिभाशाली सर्व कलाओं से संपन्न आत्मा हूं। मैं कमल पुष्पधारी पावन गणेश हूं। मैं संसार में रहते हुए हर कार्य करते हुए अनासक्त आत्मा हूं। मैं सर्व संबंध निभाते हुए न्यारी और प्यारी निर्लिप्त आत्मा हूं। मैं मुक्ति प्रदायक सर्व बंधनों को काटने वाला गणेश हूं। मैं वरदानी मूर्त गणेश हूं। मैं वरदानी हाथों से सबको आशीष देने वाली सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली संपूर्ण संपन्न आत्मा हूं। मैं माधुरी प्रिय मधुर भाषी गणेश हूं। मैं मधुर एवं नम्र व्यवहार से सबको संगठित रखने वाली गणनायक आत्मा हूं। मैं महोदर लंबोदर गणेश हूं। मैं समाने की शक्ति से संपन्न आत्मा हूं। मैं ज्ञानवान बुद्धिवान गणेश हूं। मैं निंदा स्तुति जय पराजय हार जीत सुख दुख लाभ हानि आदि विषम परिस्थितियों में भी एक समान रहने वाली स्थित प्रज्ञ आत्मा हूं। हर रहस्य को गोपनीय रखने वाली मैं महान आत्मा हूं, मैं महान आत्मा हूं। मैं संतुलित स्थिति वाला सहज आसनधारी गणेश हूं।
मैं अपने कर्तव्य एवं जिम्मेदारियों का विधिवत निर्वहन करते हुए उपराम स्थिति में स्थित रहने वाली मोहजीत आत्मा हूं। मैं हर कार्य करती हुई बुद्धि योग एक बाप के साथ रखने वाली कर्म योगी अनासक्त आत्मा हूं। मैं विकारों एवं विकृतियों रूपी मूषक सवार गणेश हूं। मैं ईश्वरीय ज्ञान द्वारा अच्छाई व बुराई को समझते हुए सूक्ष्म कमजोरियों पर भी विजय प्राप्त करने वाली अजय आत्मा हूं। मैं यथार्थ विधि से सर्व सिद्धि प्राप्त करने और कराने वाला सिद्धि विनायक गणेश हूं। मैं विनम्रता से सबके दिलों को जीतकर सहज सफलता प्राप्त करने वाली सिद्धि स्वरूप आत्मा हूं। मैं शिव की संतान सर्व गुणों शक्तियों एवं प्राप्तियों से संपन्न गुणमूर्त गणेश हूं। मैं पूज्य रूप में इष्ट देव सर्व की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला गणेश हूं। मैं भक्तों की करुण पुकार सुन रहा हूं। दुखियों की चीत्कार मुझे भाव विह्वल कर रही है। मैं अपने संपूर्ण स्वरूप में स्थित होकर सूक्ष्म शरीर धारण कर मंदिर में स्थित अपनी भव्य मूर्ति में प्रवेश करता हूं। वरदानी मुद्रा में मेरे वरद हस्त सभी को अभयदान दे रहे हैं। मेरे वरदानी हाथों से निकलने वाली शक्तिशाली किरणें सभी को सुख शांति प्रेम पवित्रता संतुष्टता एवं आनंद की अनुभूतियां करा रही है। मेरे प्रेमपूर्ण वात्सल्य भरे नैनों से भक्तजन शांति शक्ति एवं शीतलता का अनुभव कर रहे हैं। अपने मनोरथ पूर्ण प्राप्त करके भक्तजन मेरी जय जयकार कर रहे हैं। मेरे दर्शन मात्र से सभी कृतार्थ एवं धन्य धन्य हो रहे हैं, धन्य धन्य हो रहे हैं। भक्तों के भावभीने नयन मेरी उदारता का यशोगान कर रहे हैं और उनके दिल से यही आवाज बार बार निकल रही है, पाना था सो पा लिया, अब और क्या बाकी रहा। पाना था सो पा लिया, अब और क्या बाकी रहा। बाकी रहा। ऐसा भावपूर्ण
दृश्य देखकर मैं मन ही मन में प्यारे बाबा को इसका सारा श्रेय देते हुए धन्यवाद ज्ञापित कर रहा हूं। मेरे बाबा, मीठे बाबा, आपने मुझे अपने समान बनाकर क्या से क्या कर दिया है। ओ बाबा, ये सब आपकी ही कमाल है, आपकी ही कमाल है, आपकी ही कमाल है बाबा। प्यारे बाबा, ऐसा सुनकर मंद मंद मुस्कान में वरदान दे रहे, ऐ मेरे प्रिय वत्स, तुम निरंतर ही अपने इष्ट देव के इसी स्मृति में स्थित रहो। मैं विघ्न विनाशकारी गणेश हूं, मैं दुखहर्ता सुखकर्ता गणेश हूं, मैं सर्व का मनोरथ पूर्ण करने वाला गणेश हूं, सर्व सिद्धि दाता, विधि विधाता, शक्ति प्रदाता, गणनायक गणपति श्री गणेश हूं। श्री गणेश हूं। श्री गणेश हूं।